हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं हीरो के शोरूम में। हीरो ने रिसेंटली अपनी एक कम्यूटर बाइक को लॉन्च किया जिसका नाम HF 100 है। ये बाइक सबसे कम कीमत में ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक है और हीरो की तरफ से ये सबसे सस्ती 100 cc की बाइक है। तो इस वीडियो में आपको इस बाइक से रिलेटेड सारा डिटेल्स जानने को मिलेगा, इसका प्राइस कितना है, माइलेज कितना है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और कोई भी वीडियो देखने के बाद अगर आपको इस बाइक को खरीदने का मन करता हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शोरूम का एड्रेस देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर भी मैंसन किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से फ़ोन करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का आपको वाइजर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो H लिखा हुआ है ये आपको 3D में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे ये इसको स्टिकर में दिया गया है और बिल्कुल सिंपल सा ये डिज़ाइन रखा गया है। इसमें जो वाइजर है उसमें भी कोई भी ग्राफिक्स एड नहीं किया गया है। आपको इसके इंडिकेटर में येलो कलर का बल्ब देखने को मिल जाता है और वहीं हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट में भी आपको हेलोजिन बल्ब देखने को मिलता है। दोनों इंडिकेटर फ्रंट और रियर दोनों में आपको बल्ब देखने को ही मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर प्लेट का है और जो फ्रंट का गार्ड है वो भी बिल्कुल प्लेन है, उस पर भी कोई ग्राफिक्स नहीं है, ब्लैक कलर का दिया गया है। अब वही अगर बात करें फ्रंट के टायर का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे JK का टायर यूज किया गया है और टायर का जो साइज है वो 2.7/18 सेक्शन का आपको ट्यूब टायर देखने को मिल जाता है इस बाइक में। फ्रंट में आपको 18 इंच का एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है और बिल्कुल ये प्लेन ब्लैक में दिया गया है। यहाँ पे भी कोई भी स्टिकरिंग का यूज नहीं किया गया और यहाँ फ्रंट में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है और फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन दिया गया है। और वहीं अब अगर आगे चले इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ तो यहाँ पे आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो HF डिलक्स था वहाँ पे आपको साइड स्टैंड सेंसर मिलता था बट आपको इस बाइक में वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हीरो ने इसमें प्राइस को कट किया है। लोग के पास आपको इंडिकेटर का लाइट देखने को मिल जाता है। वहीं लेफ्ट साइड के हैंडल की तरफ चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर का और हॉर्न का स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिया गया जो कि है पासिंग लाइट का स्विच, यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। चले राइट साइड चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको कोई स्विच देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ये FI बाइक है बट यहाँ पे आपको इंजन क्यूल स्विच या i3S ऐसा कुछ स्विच देखने को नहीं मिलता है। वहीं ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ जो पेट्रोल टैंक है यहाँ पे आपको हीरो का स्टिकर देखने को मिलता है और जो ग्राफिक्स है वो रेड और ग्रे कलर में यूज किया गया है। इस बाइक में आपको सिंगल कलर ही ऑप्शन देखने को मिलता है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्लैक एंड रेड कलर का। यहाँ जो HF 100 है यहाँ पे साइड बॉक्स में दिया गया है, ये भी आपको स्टिकर में ही देखने को मिलता है। इसमें भी 3D का यूज नहीं किया गया। तो यही एक प्यारा सा कलर में हीरो ने इस बाइक को लॉन्च किया है। जैसा कि आप अभी इसका लुक को देख सकते हैं, ये पूरा पेट्रोल टैंक से लेकर साइड बॉक्स पे आता है, दोनों साइड में आपको सेम स्टिकरिंग का देखने को मिल जाता है। वहीं इस बाइक में आपको 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4-stroke FI इंजन देखने को मिल जाता है जो 8000 rpm पे 8 bhp का पावर जनरेट करता है और 5000 rpm पे 8 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही इसमें 4-speed गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर में यहाँ पे दिया गया है। रियर में हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर देखने को मिल जाता है जो 2-step एडजस्टेबल है और यहाँ पे जो चेन कवर है वो भी आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। सीट कॉल बिल्कुल प्लेन ब्लैक कलर का दिया गया है, कोई भी यहाँ पे स्टिकर यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे जो ग्रेव लेयर है वो HF डिलक्स है, यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलता है जो कि मेटल में है। सिंगल पीस आपको ब्लैक में ये देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप टेल लैम्प की बात करें तो यहाँ पे भी आपको हेलोजिन बल्ब देखने को मिलता है, इंडिकेटर में भी आपको हेलोजिन बल्ब देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको ब्लैक कलर का एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है जो कि 18 इंच का दिया गया है और यहाँ पे जो साइलेंसर है यहाँ साइलेंसर के ऊपर भी आपको ग्लेसी ब्लैक का आपको एक कवर देखने को मिल जाएगा और यहाँ ब्रेक देख सकते हैं और साथ में यहाँ पे आपको किक भी दिया जा रहा है इस बाइक में। हीरो HF 100 में आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिलता है और यहाँ पे इंजन के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इंजन गार्ड नहीं दिया गया है। हालांकि लेग गार्ड आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जबकि ये बाइक जब डिलीवर किया जाएगा उस टाइम इसमें लेग गार्ड देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अभी तक आप जितने भी शॉट देख रहे थे ये क्लोजअप था, अभी आप दूर से देखिए कि ये बाइक देखने में कैसी लगती है। साथ ही मैं आप लोग बता दूँ इस बाइक में आपको 9.6 लीटर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है जो लगभग आपको 70 से 75 किलोमीटर का माइलेज दे देगी। वहीं इसका जो कार्ब वेट है वो आपको 112 kg का बाइक का कार्बोर्ड देखने को मिलता है। सीट हाइट आपको इसमें 805mm का देखने को मिलेगा। व्हील बेस इस बाइक का 1235mm दिया गया है। साथ ही आपको फ्रंट और रियर दोनों में आपको हेलोजिन बल्ब देखने को मिल जाता है। वहीं इस बाइक में आपको कुछ फीचर के बारे में बताऊं तो इस बाइक में आपको एक्सेंस सेंसर देखने को मिल जाता है और साथ ही इसमें IBS ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है जो कि दोनों ब्रेक्स एक साथ काम करते हैं। तो ये कुछ है आपको मिलता है हीरो की HF 100 में। वहीं अब इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये हीरो की सबसे चीपेस्ट बाइक है। जिनको भी कम प्राइस में
हमें अच्छा माइलेज वाला बाइक चाहिए वो इस बाइक को ले सकते हैं। और इसके जो एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात करें तो ये दिल्ली का एक्स शोरूम प्राइस आपको 49,400 है। वहीं जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं वीडियो दुर्गापुर के शोरूम से बना रहा हूँ, तो जो लोग आसपास के इलाके से हैं दुर्गापुर उखड़ा आसनसोल झांझरा, तो इनके हिसाब से यहाँ के हिसाब से आपको एक्स शोरूम प्राइस यहाँ का पड़ेगा 53,900, जो कि ऑन रोड अप्रोक्स आपको 76,000 तक ये पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये थे हीरो HF डीलक्स 100 के कुछ डिटेल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए राइड विद बाइक।